बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मेरा नाम रियाज महमूद है और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर मैथ्यू बाल की जो बुक है द मेटावर्स, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट वन व्हाट इज़ द मेटावर्स को कवर करेंगे। और इस फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास टोटल चार पार्ट्स हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी, डेफिनेशन फाइनली एंड द नेक्स्ट इंटरनेट। वन के अंदर जो है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फ्यूचर, इसको अगर हम देखें तो ये टर्म है हमारा द मेटावर्स, ये कहाँ से लिया गया? ये हमारे पास नील स्टीनसन ने एक नावल लिखी थी 1992 के अंदर स्नो क्रैश के नाम से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइम इसने मेटावर्स का वर्ड यूज़ किया, ये टर्म वहाँ से निकाला गया। अच्छा, मेटावर्स की जो डेफिनेशन दी गई है उस बुक के अंदर वो ये है कि अ परसिस्टेंट वर्चुअल वर्ल्ड दैट रीच्ड इंटरेक्टेड विद एंड अफेक्टेड नियरली एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अच्छा, ऐसी एक वर्चुअल दुनिया हो जहाँ पर पहुँचा जा सके और वहाँ इंटरेक्शंस हों और वो हमारे एग्जिस्टेंस का जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसका ईच एंड एवरी पार्ट जो हो वो उस दुनिया से इफेक्टेड हो, ठीक है। अच्छा, उस दुनिया के अंदर जो हम हमारा जो वर्चुअल वर्जन होगा फिजिकल बॉडी का, उसका नाम उसने अवतार दिया हुआ है। जो स्टीनसन थे, इन्होंने इनकी नावल से ये हैं नील स्टीनसन, और इनकी मुलाकात हुई जेफ बेजोस के साथ, और जेफ बेजोस और स्टीनसन ने जो मुलाकात की तो इन दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर बनाया जिसका नाम था ब्लू ओरिजन, ये 2000 में बनाया गया। अच्छा, जो ब्लू ओरिजन है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ ब्लू ओरिजन, और ये सेकंड नंबर पर है, द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इट्स काइंड, रैंक्ड ओनली बिहाइंड इलोन मस्क स्पेसएक्स। तो इलोन मस्क ने जो बनाई हुई है स्पेसएक्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये ब्लू ओरिजन आती है जो कि जेफ बेजोस ने बनाई है। जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन के CEO भी हैं। टू ऑफ द थ्री फाउंडर्स ऑफ द की होल कंपनी थी, उसके दो से तीन जो फाउंडर्स थे। अच्छा, ये जो की होल है अभी ये गूगल अर्थ, गूगल ने जब से खरीदा तो ये गूगल अर्थ बन गया। उन्होंने भी ये बताया कि दियर विजन्स इन्फॉर्म्ड बाय द सिमिलर प्रोडक्ट डिस्क्राइब इन द स्नो क्रैश। इन्होंने जो ये गूगल अर्थ का कॉन्सेप्ट लिया, ये भी कहाँ से लिया? ये भी स्नो क्रैश से ही इन्होंने गेन किया था। अच्छा, इनकी जो ये नावल थी स्नो क्रैश, इंस्पायरेशन ऑफ वेरियस क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स, क्रिप्टो करेंसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहीं से इंस्पायर हुए। डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ CGI बेस्ड मूवीज, जो ये हम CGI बेस्ड मूवीज देखते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से जो है वो ओरिजिनेट हुआ है या कहाँ से जो कैप्चर किया गया है वो भी इसी स्टीनसन की जो स्नो क्रैश नावल था वहाँ से ये आइडियाज़ कलेक्ट किए गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जो डिजिटल करेंसी, गूगल अर्थ और ये जो स्पेसएक्स और ये CGI बेस्ड मूवीज़, तो ये सारे जो आइडियाज़ लिए गए वो कहाँ से लिए गए? स्नो क्रैश से। अच्छा, टाइमलाइन टू मेटावर्स। अच्छा, मेटावर्स तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये आइडिया कहाँ से इनिशिएट हो कि इस तरह की किसी चीज़ का भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ 1935 स्टैनले जी ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, उस स्टोरी के अंदर भी उसने द इन्वेंशन ऑफ मैजिकल VR लाइक गूगल, उसने मैजिकल VR लाइक गूगल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर दिया। उसके बाद 1950 के अंदर रे ब्रॉडब्रिज ने द वर्ल्ड के नाम से एक शॉर्ट स्टोरी इसने भी लिखी थी, उसके अंदर एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और उनमें जो पेरेंट्स होते हैं उनको सप्लीमेंटेड किया गया सप्लांटेड बाय वर्चुअल रियलिटी, तो वो कहीं ट्रिप हो जाते हैं और ट्रिप होने के बाद उनको एक वर्चुअल रियलिटी का एनवायरनमेंट दिया जाता है। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी थी, ये 1950s की बात। उसके बाद 1953 के अंदर क्या हुआ, फिलिप के डिक्स की अगेन एक नॉवल आई हमारे पास द ट्रबल विद बबल्स, उसके अंदर उसने एक वर्ड यूज़ किया वर्ड क्राफ्ट, दे कैन क्रिएट फुली सिविलाइज्ड लाइफ। अच्छा, वर्ड क्राफ्ट वो डिफरेंट अपनी अपनी जगह पर जाकर वो एक वर्ल्ड क्राफ्ट करते हैं, इसके अंदर वो पूरी एक सिविलाइज्ड लाइफ को पैदा कर सकते हैं वर्चुअली, ये भी एक वर्चुअली था। उसके बाद 1956 के अंदर आइजैक असिमोव द नेक्स्ट सन के नाम से एक नावल लिखा। अच्छा, इस नावल के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया गया था कि सोशलाइजेशन और लोगों के साथ ज़्यादा काम काज करने से इंसान जो होता है वो बहुत बोर हो जाता है या परेशान हो जाता है, तो उन्होंने एक रिमोटली प्रोजेक्टेड होलोग्राम्स एंड 3D टेलीविजन, तो रिमोटली प्रोजेक्टेड होलोग्राम्स बनाए गए इस नावल के अंदर, दिखाए गए कि वो लोग उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं तकरीबन काम काज से हटकर, और 3D टेलीविजन्स भी इसके अंदर जो है ना आइज़ैक असिमोव का द नेक्स्ट सन के अंदर
1956 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया गया। उसके बाद आते हैं 1984 पर। 1984 में क्या हुआ, विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस का वर्ड यूज़ किया अपनी नावल न्यूरोमैंसर में। तो यहाँ पर भी एक मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइबर स्पेस यानी होलोग्राम्स, वर्ल्ड क्राफ्ट और मैजिकल वी आर लाइक गोगल्स या वर्चुअल रियलिटी। तो ये सारे कंबाइंड फैक्ट्स हैं जो हमें टूवर्ड्स द मेटावर्स लेकर जा। और उसके बाद 1999 में क्या हुआ, 1999 में एक मूवी आई थी वाचोव्स्की की द मैट्रिक्स। उसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि पर्सिस्टेंट सिमुलेशन ऑफ द प्लैनेट, वो किसी एक ईयर में होते हैं और उसके बाद उसको सिमुलेट करके बहुत ही आगे लेकर जाते हैं और सेम उसी प्लैनेट अर्थ को उन्हीं चीज़ों को सिमुलेट किया जाता है, लेकिन वो एक वर्चुअल दुनिया होती। अच्छा, इसके अंदर एक और हेडिंग है हमारे पास, द प्रोग्राम इज मोर ऑप्टिमिस्टिक देन द पैन। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और कल्चरल थ्योरिस्ट थे जीन बॉडरेल्ड। उन्होंने एक टर्म दिया था हाइपर रियलिटी 1981। उन्होंने जो हाइपर रियलिटी का जो वर्ड यूज़ किया 1981 में, उसका मकसद क्या था, वो ये कहना चाह रहे थे कि एज अ स्टेट इन विच रियलिटी एंड सिमुलेशन वर सो सीमलेसली इंटीग्रेट। उन्होंने बोला कि रियलिटी और सिमुलेशन इतने गहराई से या इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड किए जाए, एक दूसरे के साथ जोड़े जाए कि उनमें फ़र्क नज़र ही ना आए, कि हमें पता ही नहीं चले कि ये रियलिटी है या ये सिमुलेशन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो लोगों ने दिए मेटावर्स से पहले और मतलब जो मेटावर्स की तरफ हमें आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए। अच्छा, मेटावर्सेस जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो किसी सबजंक्शन या प्रोफिटरिंग के लिए नहीं, उसका मकसद ये नहीं था कि हम कारोबार करें, फ़ायदा उठाएं। जो मेटावर्सेस का असल मकसद है वो कोलाबोरेशन पे है, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। मीन्स वो सब मिलजुल कर एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पर क्रिएटिविटी हो, जहाँ पर लोग अपने जो है ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो असल जो कॉन्सेप्ट था मेटावर्सेस का वो इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर। उसके बाद हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ प्रोटो मेटावर्स। तो प्रोटो मेटावर्सेस तक पहुँचने की जो पूरी हिस्ट्री है उसको हम देख लेते हैं। 1950 के अंदर राइज ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, फर्स्ट टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस। और इनका मकसद क्या था, दे कैन शेयर प्योरली डिजिटल मैसेजेस अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट। ये डिजिटल मैसेजेस कन्वे करते थे एक दूसरे के साथ, और इसको बनाने का मेन मकसद था कि इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पजेज के लिए बनाए। तो फर्स्ट टाइम हमने नेटवर्क्स बनाए और मैसेजेस को एक्सचेंज किया। उसके बाद 1970 के अंदर हमारे पास मर्ड्स आए, मल्टी यूजर डंगियंस। तो ये क्या होता था, ये एक गेम टाइप का उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन टेक्स्ट बेस्ड वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन ऑफ द रोल प्लेइंग गेम डंजियंस एंड। इसके अंदर हम क्या करते थे, टेक्स्ट बेस्ड कमांड पुट करते थे। यहाँ पर हमारे पास कंसोल होता था और उस कंसोल के अंदर हम डिफरेंट कमांड्स देते रहते थे। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते थे कि आप गेम खेलना चाह रहे हैं, सब चीज़ें हम यहाँ पर बिल्कुल टर्मिनल यहाँ दिया जाता था और टर्मिनल के थ्रू इंटरेक्शन किया जाता। तो ये फर्स्ट टाइम एक वर्चुअल वर्ल्ड का तस्वर जहन में आया। यहाँ पर यह अभी ग्राफिकल नहीं था, ये कम्प्लीटली कमांड लाइन पर था। उसके बाद मर्ड्स को जब 1970 to 1980 तक मर्ड्स पर काम किया गया, उनको फोर्क किया गया उनकी रिपोजिटरीज को, और उसके बाद एक नया वर्जन मशिस के नाम से आया, मल्टी यूजर शेयर्स हेलुसिनेशंस, और कभी कभी इनको हैक्स भी कहा गया है। ये भी उसी का ही वर्जन था, लेकिन इसको थोड़ा सा उन्होंने एक्सटेंड किया, उसके अंदर फोक किया, उसके प्रोग्राम को ओपन सोर्स किया गया मर्ड्स को, और वहाँ से हमने यही अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मर्ड्स था। इसके अंदर भी वही था कि टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स थी और इंटरेक्शन और प्लेइंग थी, और RPG इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट था, रोल प्लेइंग गेम। इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स लॉग इन होते थे और सब अपना अपना रोल प्ले कर। उसके बाद 1986 में एक नई गेम बनाई कि उन्होंने बनाई लुकास फिल्म। तो इन्होंने एक गेम बनाई, उसका नाम था, इस गेम के अंदर क्या था, मल्टी पार्ट्स में ऑनलाइन वर्चुअल इंटरमिक गेम ऑन कमोडोर 64 होम कंप्यूटर। अच्छा, कमोडोर 64 फर्स्ट टाइम ऐसा PC बनाया गया था जिसको घर के पर्पज़ के लिए या फॉर होम कंप्यूटर के नाम से इनको यूज़ किया जा सकता था। तो ये हैबिटेट जो था हमारा, जो ये गेम बनाई गई थी, ये उस पर चल जाता था। ये फर्स्ट टाइम था जब हमने ग्राफिकल 2D देखा, और इसी के अंदर अवतार को एज प्लेयर्स हमने यूज़ किया। इसके अंदर जितने प्लेयर्स थे उनको अवतार्स का नाम दिया। अच्छा, अवतार है क्या, अवतार एक संस्कृत का वर्ड है, द डिसेंट ऑफ द डायटी फ्राम द हेवन, ठीक है। तो मतलब हमारे जैसा ही हमारा एक और वजूद जो हेवेंस में पाया। अच्छा, ये लुकास फिल्म जो था ये कंपनी किसकी थी, ये स्टार वार्स का जो क्रिएटर है जॉर्ज लुकास, उसी की ये लिमिटेड कंपनी थी जिन्होंने ये हैबिटेट गेम को बनाया 1986 के अंदर। उसके बाद 1990 के अंदर एक और नया चेंज आया हमारे पास,
हैबिटेट के बाद आइसोमेट्रिक 3D। आइसोमेट्रिक 3D के अंदर क्या था, नज़र में तो वो 3D आता था लेकिन इसको हम तकरीबन 2.5D कंसीडर करते हैं। इसके अंदर होता था कि इल्यूजन ऑफ 3D बट यूजर्स कैन मूव अक्रॉस 2D। तो यूज़र सिर्फ यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है लेकिन यहाँ पर ये पूरा इल्यूजन जो था वो 3D का था, तो उसको आइसोमेट्रिक 3D का। उसके बाद 1994 से 1995 तक पहली मरतबा हमने फुल 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स थे, तो दो बहुत बड़ी गेम्स उस टाइम पे बनाई गई, एक एक्टिव वर्ल्ड और एक वेब। एक्टिव वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया का एक अलग से एक नक्शा बनाया गया जहाँ पर लोग जाते थे, लोगों से मिलते थे, एक्सप्लोर करते थे चीज़ों को। और इसके अंदर जो कमांड्स वगैरह थी वो ग्राफिक बेस्ड भी थी, सिंबल बेस्ड भी थी, तो इसके अंदर हम इजीली दुनिया बना सक रहे थे। ये फर्स्ट टाइम था 1994 से 95 तक जब हमने फुल 3D की वर्चुअल वर्ल्ड्स को देखा। उसके बाद 1998 में एक और काम किया गया, किन्होंने किया था, ये थे ऑनलाइन ट्रेवलर कंपनी थी, उन्होंने एक लॉन्च किया स्पेशल वॉइस चैट। अच्छा, स्पेशल वॉइस चैट में क्या होता था, ये डिफरेंट अवतार होते थे गेम्स के अंदर, और यहाँ का यूज़र जब इसको बोलता था, बात करता था, तो उसी हिसाब से इन अवतार के मुंह भी चलते थे। तो क्या होता था, फॉरेन अवतार्स माउथ टू मूव इन रेस्पॉन्स टू द वर्ड्स स्पोकन बाय द प्लेयर। तो जो प्लेयर जो जो बातें करता था उसी को ये सिंक्रोनाइज करते थे या उसी के हिसाब से ये अपने होंठ चलाते थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमने स्पेशल वॉइस चैट को देखा, तो ये सारे यूज़र एक दूसरे को सुन भी पा रहे थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमने साउंड से भी वॉइस मैसेजेस या चैट के थ्रू इस 3D एनवायरनमेंट के अंदर डिस्कशन भी किया, मतलब हमारे चैट्स भी हुए। 2000 में एक नया ब्रेक थ्रू आया, वो ये था कि इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स ने कंपनी बनाई थी की होल, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया। उसके बाद उसको गूगल ने खरीद लिया और उसको नाम दे दिया गूगल अर्थ। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये गूगल अर्थ का मैप बनाया। इसके अंदर क्या था, उन्होंने वर्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द एंटायर प्लैनेट, पूरी दुनिया का एक वर्चुअल शेप बनाया और वर्चुअली उसको ही दिखाया गया इसके अंदर। इसके ये खास करके मैपिंग के लिए ऑनलाइन मैप जिसको देखकर डायरेक्शंस वगैरह का पता किया जा सकता। और 15 साल के अंदर इन्होंने इसके अंदर पार्शल 3D भी डाला और लार्जर डेटाबेसिस बना दिए, मैप प्रोडक्ट्स को भी मैप किया, और उसके बाद रियल टाइम ट्रैफिक के का ऑप्शन भी इन्होंने अभी इसके अंदर ऐड कर दिया है कि कहाँ पर कंस्ट्रेंट एरिया है या कहाँ ट्रैफिक जाम है, कौन सा पाथ आपके लिए इजी है। तो ये सारा इन्होंने 15 साल के अंदर अंदर किया, इसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अब रियल टाइम ट्रैफिक को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं गूगल। इसके बाद बनाई गई सेकंड लाइफ। सेकंड लाइफ एक इस तरह का गेम बनाया गया 2003 में जो पूरा का पूरा ग्राफिकल 3D पर था। ग्राफिकल 3D दुनिया बनाई गई इसके अंदर। इसका बनाने का मकसद ये था कि हमारा एक पैरेलल एग्जिस्टेंस है जो हमारी जगह एक वर्चुअल स्पेस में रहता है। इसको इतना फेम मिला कि 1 मिलियन यूज़र्स ने एक साल के अंदर 1 मिलियन यूज़र्स ने इसको यूज़ किया। इसके साथ साथ क्या हुआ, रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस्टेब्लिश देयर ऑन बिजनेसेस, उन्होंने भी अपने अपने बिजनेसेस इसके अंदर ओपन कर दिया इस प्लेटफॉर्म के अंदर। उसमें फॉर प्रॉफिट थे एडिडास, BBC एंड वेल्स फार्गो, और नॉन प्रॉफिट के अंदर अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और सेव द चिल्ड्रंस, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपना कंट्रीब्यूशन इस प्लेटफॉर्म को दिया और अपने बिजनेस के लिए यहाँ फंडिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ किया। इसके अलावा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अपना लॉ स्कूल का कोर्स सेकेंड लाइफ के अंदर ऑफर करना शुरू कर दिया। 2009 में ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट की गई कि यूजर्स द एबिलिटी टू इम्पोर्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, के वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स और टेक्सचर जो वो आउटसाइड द प्लेटफॉर्म इम्पोर्ट कर पा रहे थे वो। 2005 में सेकंड लाइफ का GDP $30 मिलियन से एक्सीड कर गया था और 2009 में ये $500 मिलियन तक पहुंच चुका था, बल्कि उससे भी बढ़ चुका था। और उसी 2009 में जो यूज़र्स थे उनके पास $55 मिलियन थे जो रियल वर्ल्ड करेंसी के अंदर थे उस साल के अंदर। उसके बाद हमारे पास आया राइज ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स टॉप पर हैं, और इन्होंने इन्हांसमेंट किया इसके अंदर, और इन्होंने जो फोकस किया वो चिल्ड्रन और टीनेजर्स पर, और इसका जो UI या इंटरफेस बनाया गया वो ईजियर टू यूज़ था एज़ कम्पेयर टू सेकेंड लाइफ। इसके अंदर एस्टर नाम के एक यूज़र ने एक साइबर पंक बनाया जो तकरीबन 370 मिलियन माइनक्राफ्ट ब्लॉक्स पर डिपेंड करता था। ये उन्होंने किसमें बनाया, माइनक्राफ्ट के अंदर।
और एस्टर ने क्या किया, 16 आवर्स पर डे काम करता था और पूरे साल के लिए 16 घंटे रोजाना वो काम करता था एक साल तक। और उसने उसके बाद ये साइबर पंक बनाया, ये 2010 के बाद। 2015 के अंदर वेरिजोन ने क्या किया, सेलफोन बिल्ड किया माइनक्राफ्ट के अंदर, जो रियल वर्ल्ड से लाइव कॉल्स। और कोविड-19 के सिचुएशन में कुछ चाइनीज ने मिलकर एक 1.2 मिलियन स्क्वायर फुट का हॉस्पिटल बनाया, जिसको डेडिकेट किया। और उन्होंने वुहान के हेल्थ के अंदर एक म्यूजियम भी बनाया जा चुका है, जो 12.5 मिलियन ब्लॉक्स पर है। और एक अनसेंसर्ड लाइब्रेरी बनाई गई, जो बैंड लिटरेचर आप वहां जाकर पढ़ सकते। 2020 में फोर्टनाइट गेम बनाई गई, और इस गेम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एक हिप हॉप स्टार थे कार्डशियन फैमिली के मेंबर ट्रेविस स्कॉट ने एक कॉन्सर्ट होस्ट किया यहाँ पर, और जो कि अटेंड किया गया 28 मिलियन प्लेयर्स ने वो कॉन्सर्ट देखा। और इसके अलावा इसको सोशल मीडिया पे भी रखा गया, तो वहाँ पर भी मिलियन ऑफ यूजर्स ने देखा। फोर्टनाइट की जो ऑफिशियल इवेंट्स की वीडियो थी उनको तकरीबन 200 मिलियन व्यूज यूट्यूब पर। 2021 में माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स की जो कंडीशन थी वो ये कि 150 मिलियन यूजर्स माइनक्राफ्ट के पास थे जब माइक्रोसॉफ्ट ने, और रोब्लॉक्स उस वक्त था 225 मिलियन मंथली यूजर्स के ऊपर इसी सेम पीरियड के अंदर। और रोब्लॉक्स के अंदर एक वर्चुअल वर्ल्ड भी बनाई गई थी एडॉप्ट मी के नाम से, जो जहां पर यूजर आकर हैच भी कर सक रहे थे, रेज और ट्रेड भी कर सकते थे वेरियस पे। और इस वर्चुअल वर्ल्ड को तकरीबन 30 बिलियन टाइम्स विजिट किया गया। और जो डेवलपर थे रोब्लॉक्स के वो 30 से भी कम थे, जो भी टीम्स थी उनकी, उन्होंने $1 बिलियन इस प्लेटफॉर्म से रिसीव किया रोब्लॉक्स। तो मर्ज से लेकर फोर्टनाइट तक का जो सफर हम देखें, वो हमें ये बताता है कि मेटावर्स हैव रिसेंटली शिफ्टेड फ्रॉम साइंस फिक्शन। अब मेटावर्स साइंस फिक्शन नहीं रहा, मेटावर्स अब आने को चाह रहा है, अब वो पहुंच चुका है हमारे पास तक। अच्छा, जब मेटावर्स आने वाला है हमारे पास, तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है, एक नई जंग शुरू होती है कि मेटावर्स होगा। तो यहाँ पर ये जो ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आ रही है और अगले भी 10-20 साल तक चलेगी, इसके अंदर डाइवर्सिटी एक्सपीरियंस पार्टिसिपेंट्स कल्चरल भी इन्फ्लुएंसेस आएंगे, तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर और बहुत सारी जंगें होंगी कि सुपर मैसी इन एंड ओवर दिस मेटावर्स, कौन इस मेटावर्स का मालिक। दे विल बी फाइट बिटवीन टेक्निकल जायंट्स insurgent startups through hardware, technical standards and tools, as well as content, digital wallets and virtual IDs. तो different जगहों पर जंगें शुरू होंगी, startups के ऊपर भी होंगी, hardware के ऊपर, technical standards, tools, content, identities. तो इस जंग का मकसद सिर्फ revenue नहीं होगा, इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि survive the pivot to metaverse, कि metaverse तक पहुंचा जा सके, metaverse को reach किया जा सके, उसकी supremacy हासिल की जा सके। तो CEO of Epic Games Tim Sweeney told reporters, जो Tim Sweeney थे उन्होंने एक reporter को बुलाया था कि ये बहुत बड़ी चीज बनने वाली है metaverse, बहुत powerful होगी किसी भी और, अगर किसी एक central company ने इसका control हासिल कर लिया तो वो क्या बन जाएगी, द मोस्ट पावरफुल देन एनी गवर्नमेंट एंड विद द गॉड ऑन, वो दुनिया का खुदा बन जाएगी अगर ऐसा होता है। लेकिन अगर हम इंटरनेट को देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि जो इंटरनेट की फाउंडेशन थी वो भी बहुत सारे 20-30-40 सालों में हुई, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स का कंपोजिशन थी, वो उसके अंदर गवर्नमेंट रिसर्च लैब्स थी, यूनिवर्सिटीज थी, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिस्ट थे, इंस्टीट्यूशंस थे, और तकरीबन नॉन फॉर प्रॉफिट कलेक्टिव्स। सबका फोकस एक ही था कि एक ऐसा ओपन स्टैंडर्ड बनाया जाए जो हेल्प करे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वन सर्वर पे। तो इस कोलैबोरेटिव को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को इस कोलैबोरेशन से क्या हुआ, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज प्रोजेक्ट्स एंड आइडियाज को, इसके सबसे बड़ा वजह यह थी कि ये सारे जो स्टैंडर्ड बनाए गए थे ये फ्री थे और ओपन सोर्स। तो जो ओपननेस है ना, ओपननेस ऑफ द इंटरनेट इनेबल्ड मोर कंपनीज टू बी इन मोर एरियाज, रीचिंग मोर यूजर्स एंड अचीविंग ग्रेटर प्रॉफिट। ओपननेस की वजह से ये सब कुछ आ सकता। अगर इंटरनेट, अगर लेट सपोज हम ये सोचते हैं कि भाई नहीं भाई इंटरनेट फ्री नहीं था, नहीं होता, कोई एक मल्टी इंडस्ट्रियल कंपनी के पास होता तो क्या, वो विजेट्स भेजते, एड दिखाते रहते और यूजर का डेटा हार्वेस्ट करते अपने प्रॉफिट के लिए। जेपीजी, पीएनजी, अगर फाइल ज्यादा होती तो ज्यादा पैसे देने पड़ते उनको डाउनलोडिंग पर। वीडियो कॉल्स जो थी वो एक ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स के ओवन ऐप और पोर्टल, अगर मैं यहाँ से किसी एक नंबर को कॉल कर रहा हूँ और उसके पास वही अगर ब्रॉडबैंड ऑपरेटर नहीं है तो मेरी कॉल वहाँ नहीं, और हमें सालों लग जाते और $1,000 लगते हैं वेबसाइट पर, और हमें सालाना फीस भी देनी पड़ती ब्राउजर के यूज। तो ये जो कॉर्पोरेट इंटरनेट है ना, इज द करंट एक्सपेक्टेशंस फॉर द मेटावर्स। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये जैसा कॉर्पोरेट इंटरनेट था ना, इसी तरह की मेटावर्स। तो ये मेटावर्स के लिए ये सोचा जाता है कि भाई ये एक प्राइवेट बिजनेसेस होंगे, यहाँ पर कॉमर्स होगी, डेटा कलेक्शन होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी और वर्चुअल प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल किए जाएंगे मेटावर्स। अच्छा, यहाँ पर इसी बुक के अंदर एक वो मेटकाल्फ्स का लॉ बताता है। वो लॉ क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये नोड्स इन द नेटवर्क या यूजर्स इन द नेटवर्क आप कह लें, और ये कनेक्शन या वैल्यू कह लें कि उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। तो यहाँ देखिए, जब जीरो था कुछ भी नहीं था, जैसे जैसे ये होगा तो ये ग्रेजुअली इंक्रीजिंग स्क्वायर होता जाएगा, डबल होता जाएगा। जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जाएंगे तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज होती जाएगी।
तो यहाँ पर आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि जैसे पहले एक दो यूज़र थे तो एक कनेक्शन था, तीन यूज़र थे तो आपस में इंटर कनेक्टेड हैं, चार हैं तो सब एक दूसरे के साथ हैं, पाँच हैं तो ये कनेक्शंस और भी बिल्डअप हो रहे हैं, और अगर और ज़्यादा हो जाते हैं तो मल्टीपल कनेक्शंस एक बहुत बड़ा नेटवर्क हम बना रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये भी सोचा था कि मोस्ट नेटवर्क्स वैल्यू इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कनेक्शन, एज सम कनेक्शंस आर यूज़र्स में मोर वैल्यू पर देना था। उन्होंने ये सोचा कि भाई कुछ यूज़र्स ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, कुछ कम रखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड यूअली एडिंग अ न्यू यूज़र वुडंट क्रिएट अ कनेक्शन टू ऑल एग्जिस्टिंग यूजर्स, से इफ इट वाज इन डिफरेंट कंट्री आर पीपल स्पोक अ डिफरेंट लैंग्वेज आर जस्ट केयर्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स। लोगों ने ये अपनी मंतकें दौड़ाना शुरू कर दी और इन्होंने कुछ इस तरह की बातें करना शुरू कर दी कि ऐसा नहीं होगा दूसरे मुल्क से होगा, अलग जबान बात करता होगा, दूसरा काम करता होगा, तो ये कनेक्शन ऐसे बिल्ड नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हैं, यू कैन सी हाउ अ नेटवर्क क्विकली बिकम्स वैल्यूएबल एज यूजर्स ज्वाइन। फेसबुक के इस वक्त 2 बिलियन यूजर्स हैं, 2 बिलियन यूजर्स, ये सिर्फ कनेक्शन टू कनेक्शन बिल्ड होता है। इसी लॉ को यूज करते हुए और अपने नेटवर्क्स बड़ा बनाने के लिए, अपने सर्विसेज को ग्रो करने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए जो टेक्निकल जायंट्स हैं उन्होंने सालों लगा दिए, अपने इकोसिस्टम्स को बंद किया उन्होंने, बंडलिंग की उन्होंने, अपनी सर्विसेज की, और उन्होंने प्रिवेंट किया यूजर्स को, डेवलपर्स को टू इजीली एक्सपोर्टिंग देयर ओन डेटा, अपनी डेटा भी हम नहीं ले सकते, उन्होंने इसको इतना कंजेस्टेड बना दिया, और बहुत सारे अपने पार्ट्स भी उन्होंने प्रोग्राम शट कर दिए, बंद कर दिए, और ओपन स्टैंडर्ड्स भी वो चूज़ किए उन्होंने जिनसे उनकी लीडरशिप को थ्रेट ना हो। यूजर्स को बहुत ही कम ओनरशिप है उनकी अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी, डेटा और इंटाइटलमेंट्स की। तो अगर ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हम सेफ नहीं है, हमारी ईच एंड एवरीथिंग शेयर्ड है, हम एक क्लोज्ड सर्कल के अंदर घूम रहे हैं और हमारा हमें अपनी ओनरशिप ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि मेटावर्स का जो डायस्टोपिया है, डायस्टोपिया मीन्स एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इनजस्टिस हो, जहाँ पर बहुत सारे खौफ हो, तो लोग जो मेटावर्स का सोच रहे हैं तो उनका वो सही सोच रहे हैं, ये अलार्मिंग नहीं है, ये उनका सही सोचना है कि अगर मेटावर्स किसी एक कंपनी के हाथे चढ़ गई तो वो सारा उसने ऐसे ही करना है, वो हमारी ओनरशिप को ख़त्म कर देगा, हमारे अपना डेटा जो होगा वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता रहेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हमें आगे निकलना है, जब पूरी दुनिया इसके पीछे जा रही है तो हमने भी जाना है आगे, तभी हम मिलकर इस स्टेटस को सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं। यस, द मेटावर्स कैन सी डॉन्चिंग एंड स्कैरी, बहुत डरावना है मेटावर्स, बट इट ऑल्सो ऑफर्स अ चांस टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टूगेदर एंड ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज दैट हैव लॉन्ग रेजिस्टेड डिस्ट्रप्शन एंड दैट मस्ट इवॉल्व, और इंडस्ट्रीज को भी बहुत फ़ायदा देंगे, एक नई दुनिया बनेगी, बहुत बड़ी दुनिया, और ये दुनिया को बहुत ही अच्छी इकोनॉमिकल, ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत इम्पैक्ट डालेगी, तो हमें भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पर, कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी। अच्छा, यहाँ पर उसी बुक में से कुछ मैंने जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके व्यूज़ डाले हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो व्यूज़ दिए हुए मेटावर्स के हवाले से वो भी अपनी कंपनी के हिसाब से दिए हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने से जब पूछा गया मेटावर्स के बारे में तो उसने बोला कि एंटायर वर्ल्ड इज टू एन ऐप कैनवास विच कुछ भी ऑगमेंटेड बाय क्लाउड सॉफ्टवेयर एंड मशीन लर्निंग। अच्छा, ये क्लाउड सॉफ्टवेयर ऑगमेंटेड ये सब बातें इन्होंने क्यों की, क्योंकि इनके पास अज्यूर है, एमएस टीम्स है, होलोलेंस है, एक्सबॉक्स और सोशल नेटवर्क, लिंक्डइन, माइनक्राफ्ट, फ्लाइट सिम्युलेटर, होलो 3 गेम, तो ये सारी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के हवाले से, ऑगमेंटेड रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये इन्होंने उस सेंस में ये बातें की है। मार्क ज़ुकरबर्ग ने जो आर्टिकल लिखा था उसके अंदर तकरीबन इमर्स वर्चुअल रियलिटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था और सोशल एक्सपीरियंसेस के ऊपर, तो उसकी वजह यही थी कि ओकुलस वीआर जो सब पर टॉप पर है, वीआर ग्लासेस ओकुलस के, वो भी मार्क ज़ुकरबर्ग ने बनाए हुए, और फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, ये सारे सोशल नेटवर्क्स भी मार्क ज़ुकरबर्ग के पास। अच्छा, एपिक का विजन क्या था, एपिक ने ये विजन दिया कि एन एक्सपेंसिव, तो यहाँ पर इसने एक्सपेंसिव डिजिटाइज कम्युनल स्पेस फॉर यूजर्स कैन मिंगल फ्रीली विद ब्रांड्स एंड वन अनदर इन अ वे दैट परमिट सेल्फ एक्सप्रेशन एंड स्पार्क जॉय, तो घूमेंगे फिरेंगे अपने साथ, क्योंकि ये वही जो थे एपिक गेम्स के सीईओ, फोर्टनाइट बनाने वाले, तो इन्होंने अपना ये एक
स्टेटमेंट दिया। आफ्टर चाइनीज मेगा कॉरपोरेशन टेंसेंट अलीबाबा एंड बाइटडांस बिगिन पोजिशनिंग देमसेल्फ एज ए लीडर इन द वैगली डिफाइंड बट सीमिंगली इमिनेंट मेटावर्स। अच्छा, ये इन तीनों ने अपने आप को लीडर्स कह दिया कि भाई हम मेटावर्स के लीडर हैं। देयर डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स स्टम्बल्ड एज दे सॉट टू एक्सप्लेन हाउ दे ट्रू। और उनके जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने बोला कि जी हम भी हैं। वुड बी बिकेम द पाइनर्स इन दिस मल्टी ट्रिलियन डॉलर फ्यूचर। और हम पाइनर बनेंगे मेटावर्स के। फार्मर ओकुलस वीआर सीटीओ जॉन कैरमैक आर्गू दैट इफ द मेटावर्स इज प्राइमली ऑपरेटेड बाय अ सिंगल कंपनी देन इट कैन नॉट बी मेटावर्स। उसने सिंपल बोल दिया जो ओकुलस वीआर जो ये फेसबुक का ओकुलस वीआर जिन्होंने बनाया था जॉन कैरमैक, उन्होंने बोला कि अगर एक कंपनी इस मेटावर्स को चला रही है तो ये मेटावर्स नहीं है। अच्छा, इट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज फेलो। अच्छा, मेटावर्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये एक नेवर एंडिंग वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर हर कोई ड्रेसेस अप करता है, कॉमिकल अवतार होते हैं सबके, और वो अपने आप को वीआर गेम्स के अंदर पॉइंट्स जीतने के लिए जाता है वहाँ पर उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, अपने फ्रेंचाइज पर जाता है एंजॉय फेवरेट फ्रेंचाइज के ऊपर और एक्ट आउट देयर मोस्ट इम्पॉसिबल फैंटेसीज। ठीक है, वो इम्पॉसिबल फैंटेसीज जो भी हैं उसकी उनको अचीव करने क्या भी हो सकता है। अच्छा, ये सारा जो कॉन्सेप्ट था इसको लाइफ के अंदर लाना मीन दिखाने की जो कोशिश की वो किसने की, अर्नेस्ट क्लेंस और रेडी प्लेयर वन। ये 2011 में एक मूवी बनाई गई रेडी प्लेयर वन जो स्पिरिचुअल सक्सेसर है स्नो क्रैश की। तो आए तो हम इस मूवी को भी देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिखाया गया। I live here in Columbus, Ohio. In 2045, it's still ranked the fastest growing city on Earth, but it sure doesn't seem like it when you live in the stacks. They called our generation the missing millions. Missing not because we went anywhere. There's nowhere left to go. Nowhere except the oasis. The only place that feels like I mean anything. A world where the limits of reality are your own imagination. कि क्या कॉन्सेप्ट था। अच्छा, कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी अभी तक भी रह रही है। इस वक्त जो हमारा विजन है मेटावर्स के हवाले से वो बिल्कुल सिमिलर है जब एक एवरेज पर्सन इंटरनेट को समझता था 1990s के अंदर। 1990s में लोग ये समझते थे कि इंटरनेट क्या है, द इंफॉर्मेशन सब पर हाईवे, वर्ल्ड वाइड वेब है, व्हिच वी हैव टू सर्व विद आवर कीबोर्ड एंड माउस। तो ये इंफॉर्मेशन सब पर हाईवे है जिसको हम माउस और कीबोर्ड से सर्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जो इस वक्त 3D है। इट इज ऑब्वियस दिस कॉन्सेप्शन ऑफ द इंटरनेट वाज पुअर एंड मिसलीडिंग वे टू डिस्क्राइब व्हाट वाज टू कम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इंटरनेट इससे बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो उस वक्त लोग उतना ही सोच सकते थे कि इसमें यही कुछ हो सकता है। तो अभी जो दिन डिबेट्स हैं ना हमारे मेटावर्स के हवाले से वो मडल्ड है, क्योंकि इस वक्त मेटावर्स एक थ्योरी है और एक इनटेंजिबल आइडिया है, नॉट अ टचेबल प्रोडक्ट। तो इसका रिजल्ट क्या है,
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फालसीफाई एनी स्पेसिफिक क्लेम. हम किसी को फालसीफाई नहीं कर सकते कि ये गलत कह रहा है या वो गलत कह रहा है. द इनइविटेबल दैट द मैटर वाज इज अंडरस्टूड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गिवन कंपनीज ओन कैपेबिलिटीज एंड प्रेफरेंसेस. तो हर कोई कंपनी अपने ही कैपेबिलिटीज और प्रेफरेंसेस के हवाले से इस मेटावर्स को डिफाइन कर रही है. अच्छा, क्या चीज़ है जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिफ़िकल्ट कर देती है? तो ये वन इन्वेंशन इनोवेशन या एक इंडिविजुअल नहीं है. इट रिक्वायर्स मैनी चेंजेस टू कम टुगेदर आफ्टर ए न्यू टेक्नोलॉजी इज क्रिएटेड. सोसाइटी, इंडिविजुअल इन्वेंटर्स रिस्पॉन्ड टू इट. नई टेक्नोलॉजी को हर कोई रिस्पॉन्स करता है, उससे नए बिहेवियर प्रोड्यूस होते हैं, नई प्रोडक्ट्स बनती हैं, नए यूज केसेस सामने आ जाते हैं. तो इंस्पायरिंग एडिशनल बिहेवियर इन क्रिएशंस एंड सो ऑन. तो 20 साल पहले ये मतलब पॉसिबल नहीं था कि इंटरनेट कैसा होगा 20 साल बाद. द मोस्ट एक्यूरेट फोरकास्ट वर टिपिकली प्लेटिट्यूड सच एज मोर ऑफ अस विल बी ऑनलाइन. जो सबसे अच्छा फोरकास्ट था इंटरनेट का वो ये था कि मोर ऑफ अस विल बी ऑनलाइन मोर ऑफ इन यूजिंग मोर डिवाइसेस एंड फॉर मोर पर्पसेस. हम सब ऑनलाइन होंगे, बहुत मरतबा ऑनलाइन आएंगे और बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करेंगे और अलग अलग कामों के. लेकिन जो सबसे कम चीज़ को डिस्क्राइब किया गया था कि व्हाट वी हैव टू डू ऑनलाइन, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाट टू व्हाट एंड, कि हम कब तक ऑनलाइन होंगे, क्यों ऑनलाइन होंगे, क्या करेंगे ऑनलाइन होकर, ये उस वक्त क्लियर नहीं था. तो हमें नहीं पता था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी टिकटॉक बन जाएगा, ट्वीट्स बन जाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स बनेंगी, स्टोरीज बनेंगी, इमोजीज आ जाएंगे. ये हमें क्लियर नहीं था. लेकिन हमें कुछ कुछ क्लियर था, लेकिन क्या कुछ बन सकता है वो पॉसिबिलिटीज़ हमारे व्यू में नहीं थी. तो हमें ये तो समझ लेना चाहिए कि आप अगर मेटावर्स के बिलीवर हैं या स्केप्टिक हैं या समवेयर इन द बिटवीन, आपको तभी आराम मिलने वाला है जब वो दिन ज़िंदगी में आ जाएगा कि जब मेटावर्स आएगी, तभी हमें असल में जो आराम मिलने वाला है वो उस दिन ही मिलेगा, मेटावर्स अराइव होगी. अब है इसका चैप्टर नंबर 3, डेफिनेशन. अब हमने एक डेफिनेशन बना दी कि भाई मेटावर्स तरह की हो. सबसे पहले मैसिवली स्केल इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ रियल टाइम रेंडरिंग 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड साइनोक्रोम एंड परसिस्टेंटली बाय एन इफेक्टिवली अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स विद एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ प्रेजेंस एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ सच एज आइडेंटिटी, हिस्ट्री, एंटाइटलमेंट, ऑब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन. तो ये एक हमने सब कुछ मिला जुला कर एक मीनिंग निकाल ली कि डेफिनेशन क्या होगी. तो ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनकी अभी हम आगे चलकर डेप्थ में देखेंगे कि इनकी मीनिंग. तो सबसे पहले ये वर्चुअल वर्ल्ड होने, ये जो जितनी मेटावर्स होगी ये वर्चुअल, तो ये वो एस्पेक्ट है मेटावर्स का जिस पर हर कोई एग्री करेगा कि ये वर्चुअल दुनिया है. लेकिन प्राइमरी रीजन था कि वर्चुअल वर्ल्ड बनाने के लिए वो वीडियो गेम, वर्चुअल वर्ल्ड्स गेम्स के लिए बना. अच्छा, वर्चुअल वर्ल्ड क्या कर सकती हैं? कैन रिप्रोड्यूस द रियल वर्ल्ड एग्जैक्ट, और जो रियल वर्ल्ड को बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, उनको डिजिटल ट्विन कहा. अच्छा, डिजिटल ट्विन का इस वक्त भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं. एक डिजिटल ट्विन बनाया गया तो हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, वो सिमुलेट करता था क्या द फ्लो ऑफ पैसेंजर, द इम्प्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस इश्यूज ऑफ रनवे बैकअप, और उसके अलावा जो कितने भी इवेंट होते हैं जिसे एयरपोर्ट डिज़ाइन के हवाले से उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उन इवेंट्स को भी वो स्टडी कर लेते थे. और जितने भी ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग था उसमें वो डिजिटल ट्विन एयरपोर्ट का काम करता था. इसके अलावा हम क्या करते हैं कि पूरी सिटीज़ के डिजिटल ट्विन और उसको कनेक्ट कर देते हैं रियल टाइम डेटा. उससे क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं हम, वेदर के बारे में भी बता सकते हैं, और इससे फ़ायदा लेने वाले जो सिविक सर्विसेज है हमारे पास कौन कौन सी, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस. तो ये डिजिटल ट्विन बनाने का असल मकसद था कि जो सिटी प्लानर्स हैं वो सिटीज़ को समझ सके, उसको मैनेज कर सकें और बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकें, जोनिंग, कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, और इसके अलावा जितने भी डिसीजंस उनको लेने सिटी प्लानर्स को वो इजीली इन डिजिटल ट्विन्स के हिसाब से ले सकते. द पर्पस ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड कैन बी गेम लाइक व्हिच इज टू से देयर इज एन ऑब्जेक्ट सच एज विनिंग, किलिंग, स्कोरिंग, डिफीटिंग और सॉल्व. तो एक गेम लाइक कॉन्सेप्ट भी आ सकता है हमारे पास वर्चुअल वर्ल्ड्स का, कि जहाँ पर एक विनिंग का कॉन्सेप्ट हो, किलिंग हो, स्कोरिंग हो, डिफीटिंग हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर. लेकिन एक नॉन गेम लाइक भी हो सकता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग, कॉमर्स, सोशलाइजिंग, मेडिटेशन, फिटनेस है. तो मेटावर्स जो होगा वो इन दोनों गेम लाइक और नॉन गेम लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और एक वर्चुअल वर्ल्ड ही होगी मेटावर्स. और जो वर्चुअल वर्ल्ड से वो बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी. और एक वर्चुअल वर्ल्ड का क्या होगा कि उसके बहुत सारे क्रिएटर होंगे, एक नहीं होगा, उसमें प्रोफेशनल भी होंगे, अमेच्योर भी होंगे, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे उसके. और इसके अलावा क्या होगा कि सम परसिस्ट करेंगी वर्चुअल वर्ल्ड्स, हमेशा के लिए रहेंगी, जो कुछ उनके अंदर हुआ वो हमेशा रहेगा. अगर एक ट्री काट दिया गया एक सीन के अंदर, प्लेयर ने या यूजर ने अगर काट दिया,
तो हमेशा कटा ही रहे। यहाँ फिर वो इस तरह करेंगे कि वो परसिस्टेंट है ना, तो उसमें से हर प्लेयर जितने भी प्लेयर्स होंगे उन सबका एक्सपीरियंस रीसेट कर दिया। हाउएवर देयर पॉपुलैरिटी हैज सर्ज इज अ पॉजिटिव डिफिकल्टी इन टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट देम एंड हैज प्रीमैच इन टर्म्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड नंबर ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड्स एंड ग्रेटर डाइवर्स अमंग एंड विद। बहुत कॉस्ट लगने वाली है इस पर, और ये बहुत मुश्किल और बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला, क्योंकि एक नहीं नंबर ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड और उनके अंदर बहुत चेंजेस होंगे, सबको एक साथ इंटरकनेक्टेड करके एक ही मेटावर्स के अंदर रखना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क। के बाद सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है 3D, ये 3D होना ही चाहिए उसको। 3D इज अ क्रिटिकल स्पेसिफिकेशन पावर, विदाउट 3D, अगर 3D इसमें से निकाल दिया जाए तो ये आजकल का इंटरनेट चलाएगा, जो 2D है जो चल रहा है, तो मेटावर्स को 3D होना। तो COVID-19 के पेंडेमिक से जो हमने देखा, जो लर्निंग के ऊपर एजुकेशन के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा 2D स्क्रीन्स का, तो उसे इतना आउटपुट नहीं मिला, तो तकरीबन इम्प्रूवमेंट जो है ना वो 3D वर्चुअल वर्ल्ड सिमुलेशन। अब 3D बनाया जाएगा तो ही इसका आउटपुट आ सकता है। तो 3D के अंदर ये हो जाएगा कि बच्चा पहले इस वक्त क्या होता था कि एनवायरमेंट के अंदर हमें पता ही नहीं होता था आगे क्या, कैमरा ऑन करवा भी लें नहीं भी करवा लें, लेकिन वो इंटरेक्शन वो पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा। लेकिन अगर ये 3D होगा, एक बिल्कुल वर्चुअल क्लासरूम होगा, सारे पार्टिसिपेट्स आकर बैठेंगे और उनका 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, हर एक की एक्टिविटी पर नजर रखी जाए, तो ये बिल्कुल एक फिजिकल वर्ल्ड जैसी क्लासेस का ही एक्सपीरियंस दे। तो 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स जो है वो एजुकेशन के लिए और चिल्ड्रन लर्निंग्स के लिए लर्निंग के लिए भी बहुत अहम। ऐसा नहीं है कि ये 3D होगा इसके अंदर 2D कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो 2D गेम्स मेटावर्स के अंदर खेल और इसके अंदर इमर्स वर्चुअल रियलिटी उसको एक्सेस किया जाएगा वन वे से, या ऐसा भी हो सकता है कि मेटावर्स के लिए स्क्रीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे IoT डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ऐसे सर्वर्स भी हैं जिनको स्क्रीन की नीड नहीं होती, लेकिन वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे, तो मेटावर्स को भी रन करने के लिए जबकि स्क्रीन की भी जरूरत नहीं पड़े। मल्टीपल यूज केसेस होंगे, रियल टाइम में ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल इस टारगेट को अचीव कर। रेंडरिंग में क्या होता है कि हम 2D या 3D ऑब्जेक्ट्स या एनवायरमेंट्स को किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से रीजनरेट करते हैं, रेंडर करते हैं, तो उसी जैसा ऑब्जेक्ट ही रेंडर किया जाता है। अच्छा, उस प्रोग्राम का मकसद क्या होता है, वो कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करता है, डिफरेंट इनपुट्स डेटा वगैरह उसको मिलती है और उस हिसाब से वो विजुलाइज करता है कि ये ऑब्जेक्ट इस पर कहाँ। फिर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली रिसोर्सेज हैं उसमें GPU एंड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और अगर हम इसकी एक एग्जाम्पल देखें तो डिज्नी ने एक मूवी बनाई थी मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी के नाम, तो 29 घंटे लगते थे उसके 120,000 प्लस फ्रेम्स को रेंडर कर दो। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल पूरी मूवी को अगर आप रेंडर करना चाहें तो आपको कंप्यूटर ऑन करके 2 साल के लिए रख देना पड़ेगा, तभी जाकर वो कंप्लीट मूवी 2 साल में रेंडर। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिक्सर ने क्या किया कि उसने 2000 तकरीबन इंडस्ट्रियल ग्रेड कंप्यूटर्स बनाए जो कि 24,000 कोर्स पर बिल्ड किए गए, और जब इतना बड़ा डेटा सेंटर बनाया गया तो उससे फायदा ये हुआ कि 7 सेकंड्स के अंदर वो एक फ्रेम को रेंडर एवरेजली रफ। यहाँ से हमें पता चल सकता है कि CPU एंड GPU बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। रेंडर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस होंगे ना उसके अंदर रियल टाइम रेंडरिंग नेसेसरी, और यही रियल टाइम रेंडरिंग क्या करती है वर्चुअल वर्ल्ड को जिंदा रखती है। और टू इनपुट फ्रॉम अ यूजर, अगर कोई यूजर इनपुट देता है या ग्रुप ऑफ यूजर जो है इनपुट, वो मीनिंग रखता है। कम से कम कितने फ्रेम्स जो है वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर रेंडर करने, 30 फ्रेम्स या आइडियली 120 फ्रेम्स मस्ट बी रेंडर। 30 से 120 जो फ्रेम्स है वो एक सेकंड में वो जब रेंडर करेगा तभी ये वर्चुअल वर्ल्ड पॉसिबल हो सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक फ्रेम को 7 सेकंड, इसको 7 गुना और बढ़ाना पड़ेगा तभी हम इस टारगेट को अचीव कर सकते। इमर्सिव 3D है ना, उसके अंदर इंटेंसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए 2D के हिसाब से। 2D के हिसाब से देखे जाए तो 3D में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर एक एवरेज आर्किटेक्चर फ्रेम है ना वो इतना बड़ा सुपर अच्छा, कुछ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स इतनी डिटेल्ड होती है कि इनको रेंडर करने के लिए भी आर्किटेक्चर्स क्या करते हैं, रात को लगा देते हैं रेंडरिंग के लिए कंप्यूटर पे, और सुबह उठकर उसका पूरा रेंडरिंग पूरा शेप तैयार हो जाए। तो कुछ छोटी छोटी फिल्म जो है वो सुपर कंप्यूटर्स नहीं ले सकती, जिसे डिज्नी ने ले लिए इस काम के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है हमारे लिए। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इंटरऑपरेबल नेटवर्क से। इंटरऑपरेबल है क्या? इंटरऑपरेबल अ टर्म दैट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर टू एक्सचेंज एंड मेक यूज इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है, उन सारी इंफॉर्मेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सकता है। तो इंटरऑपरेबिलिटी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपके पास इंटरनेट, जो हर डिवाइस पे चलता है, हर एप्लीकेशन पे चलता है, हर सॉफ्टवेयर इस इंटरनेट को यूज कर सकता है, तो ये इंटरऑपरेबल। द मेटावर्स शुड मेक इट सो दैट व्हेनेवर अ यूजर गोज और व्हाट एवर दे चूज, कुछ भी करना चाह रहे हैं मेटावर्स के, अचीवमेंट, हिस्ट्रीज, फाइनेंस, ये सारी चीजें इंटरऑपरेबल हों वर्चुअल वर्ल्ड्स के अंदर भी और रियल वर्ल्ड के, इस दुनिया के अंदर भी उस दुनिया के अंदर भी।
अगर उनके पास जितना पैसा एक जगह पर एक वर्चुअल वर्ल्ड में गए और अगर वो दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड में जाते तो वही पैसा उनके पास होना, अगर वो उसको इन कैश करवाना चाह रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में भी वो उसको कैश करवा सकते हैं। अच्छा, चैलेंजेस क्या है इंटरऑपरेबल? सबसे बड़ा चैलेंज जो है इंटरऑपरेबिलिटी के लिए वो ये 3D अवतार जो बनाए जाएंगे ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, के अंदर पूरा एक 3D पर्सन होगा और उसके आउटफिट्स भी होंगे और उसका जो बॉडी होगी तो एक बॉडी भी अवतार की होगी और उसका आउटफिट लैंग्वेज चाहिए हमें कम्युनिकेट कर सके और एक दूसरे के साथ, कॉमन लैंग्वेज का होना भी ज़रूरी है कम्युनिकेशन के, और प्रॉपरली इंटरप्रेट हो सके, ऐसा कोड होना चाहिए जो इंटरप्रेट भी हो सके, मॉडिफाई अप्रूव बाय थर्ड पार्टी वर्चुअल गुड्स, और थर्ड पार्टी के जो वो वर्चुअल गुड्स थे उनको भी एक्सेप्ट कर सके, तो ऐसा प्रॉपरली इंटरप्रेटेड कोड भी होना चाहिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ओनरशिप के रिकॉर्ड होंगे ये कहाँ मैनेज किए जाएंगे और उनको अपडेट कैसे किया जाएगा, जैसे किसी के पास एक कैब है या कुछ भी, उसने गाड़ी ले ली एक वर्चुअल वर्ल्ड से, अब वो मल्टीपल वर्चुअल वर्ल्ड्स में जाएगा तो उसने वहाँ जाकर गाड़ी सेल कर दी, अब उसको वहाँ से पैसे मिल गए, उसने पैसे लेके तीसरी वर्चुअल वर्ल्ड में गया, वहाँ पर उसने कुछ खरीद लिया, अभी जो ओनरशिप अपडेट हो रही है और चीज़ें खरीदी और बेची जा रही है इन सब का रिकॉर्ड मैनेज कहाँ होगा? अच्छा, इसके लिए कौन से फॉर्मेट्स यूज़ किए जाएंगे, कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाएंगी और कब यूज़ की जाएंगे, तो ये सारे जो हैं वो चैलेंजेस हैं इंटरऑपरेबिलिटी। इससे भी बड़ी जो चीज़ थी वो ये है कि ये मैसिवली स्केल्ड होगा, बहुत बड़ी मेटावर्स, इसके अंदर मैसिवली स्केल्ड नंबर ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड्स होंगी, मेटावर्स एक होगी लेकिन उसके अंदर वर्चुअल वर्ल्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे, मेटावर्स के अंदर मेटा गैलेक्सीज हो और उन गैलेक्सीज के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड्स हो और सबके सब एक सिंगल अथॉरिटी के नीचे काम करेंगे और मुख्तलिफ विजुअल लेयर्स के अंदर। अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से रोब्लॉक्स को देखा जाए तो वो एक मेटा गैलेक्सी है और रोब्लॉक्स के अंदर जो एडॉप्ट मीट वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, अलग अलग वर्चुअल वर्ल्ड्स, अलग अलग सब ओरिजिन रीजन्स होंगे, जैसे नेटवर्क ऑफ इंटरनेट और उसके सब नेटवर्क्स होते हैं, अर्थ में कॉन्टिनेंट हैं, नेशंस हैं, स्टेट्स, प्रोवेंसेस, सिटीज, कंट्रीज, तो इसी तरह से मेटावर्स के अंदर भी मेटावर्स होगी, मेटावर्स के बाद मेटा गैलेक्सीज होंगी, मेटा गैलेक्सीज के अंदर वर्चुअल वर्ल्ड्स होंगे और इसी तरह से लेयर टू लेयर काम करेगी, लेकिन इन सबको ऑपरेट करने वाली द मेटावर्स। इसके अलावा परसिस्टेंस भी बहुत बड़ा इशू, अभी तक जो परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हम समझ सके हैं वो सिर्फ इस वक्त है कि हम प्लेयर्स की जो मेमोरी है ना उसको परसिस्ट कर, उसको पता होता है कि मैंने इतने मैचेस जीते हैं और इतना मेरा स्कोर है और इतने ये कुछ कुछ खरीदा है, उस मेमोरी को हम परसिस्ट करते हैं लेकिन इन्वायरमेंट को नहीं कर पाते, लेस मेमोरी पावर फॉर अदर एक्टिविटी। अच्छा, अगर हम इंफॉर्मेशन को परसिस्ट करें, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को परसिस्ट करने की कोशिश करें, जैसे वहाँ का इन्वायरमेंट था, एक यूज़र आया उसने काम कर दिया, बुलेट फायर कर, तो उस बुलेट का निशान किसी रॉक पर लग गया, अब वो जो कोई भी और यूज़र आएगा तो उसको भी वो रॉक पर वही बुलेट का निशान नज़र आना चाहिए और वो परसिस्ट करे हमेशा के लिए, तो इस परसिस्टेंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन, और हम अगर ज़्यादा कंप्यूटेशनल नीड परसिस्टेंस पे लगा देंगे तो दूसरे कामों के लिए हमारे पास मेमोरी भी कम पड़ जाएगी और पावर, जो कुछ यूज़र्स करते हैं किसी भी टाइम पे वो हमेशा के लिए परसिस्ट होना चाहिए, ये सब वर्चुअल वर्ल्ड्स के अंदर नहीं बट द इंडिविजुअल, अच्छा उनके अंदर जो आइटम्स होंगे वो जो कुछ पहनते हैं करते हैं और उनको अगर कोई डैमेज हो जाता है उनके ऊपर तो वो भी परसिस्ट करना चाहिए, उसको भी वहाँ पर रहना चाहिए, और इंटरऑपरेबिलिटी के प्रिंसिपल के लिए दिस मॉडिफिकेशन वुड परसिस्ट व्हेनेवर वी वेयर एवर वी गो, ठीक है। और इंटरऑपरेबिलिटी क्या करेगी, अच्छा किसी को चोट लग गई, किसी अवतार को या किसी भी प्लेयर को चोट लग गई तो एक वर्चुअल वर्ल्ड से दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड में जाएगा तो वो चोट उसकी रहनी चाहिए, उसके ऊपर वो अगर कोई टैटू वगैरह बनाया हुआ है तो वो भी रहेगा, वो जो कैप जिस कलर की पहनी हुई है वो हर जगह पर रहनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है इस वक्त, इट्स फार बियॉन्ड एनीथिंग पॉसिबल टुडे। उसके बाद है सिंक्रोनस, सिंक्रोनस के अंदर क्या होता है, सिंक्रोनस आर द ग्रेटेस्ट कांस्टेंट फेसिंग द मेटावर्स एंड वन दैट इज हार्डेस्ट टू सॉल्व, जो सबसे मुश्किल तरह से सॉल्व होगा, रिक्वायर हाई बैंडविड्थ, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसके लिए हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी चाहिए होती और कंटिन्यूस कनेक्टिविटी चाहिए होती, लेकिन कुछ के लिए कम चाहिए होती, उसमें से कोई भी एक पार्टिसिपेंट चला गया तो पूरे वो कलेक्टिव एक्सपीरियंस के अंदर आएगा, सबको पता चलेगा कि ये बंदा था और अब नहीं है, अगर वो सिंक्रोनाइजेशन से बाहर चला गया वो सब क्या करेंगे, अब 10 प्लेयर हैं फाइट कर रहे हैं किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, 10 प्लेयर एक टीम में, 10 प्लेयर दूसरे टीम में, अब एक प्लेयर ने एक फायर किया लेकिन उसके पास क्या लेटेंसी हाई बहुत, क्योंकि लेटेंसी को आप यूँ ही समझ लें कि लेटेंसी ये कि यहाँ से मैंने बटन क्लिक किया और वहाँ अंदर जो मेरा अवतार था उसने हाथ उठाया, तो ये मेरे बटन दबाने और उसके हाथ उठाने के दरमियान का जो टाइम होगा ये लेटेंसी कहलाएगा, जिसको हम पिंग भी कहते हैं कि पिंग हाई जा रहा है या लो, मिली सेकेंड्स का ये टाइम होता है। लेट सपोज अगर एक प्लेयर आगे से जा रहा है और वो 2-3 सेकंड में आगे से गुजर गया लेकिन मेरे पास लेटेंसी बहुत हाई है, 2-3 सेकंड की लेटेंसी है, अब मैंने फायर किया मुझे तो वो वहीं नज़र आ रहा है लेकिन
असल में जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो मूव हो चुका है, वो मूव हो चुका है, तो मेरा वो फायर मुझे तो लगेगा, उसको लगेगा, लेकिन उसको नहीं लगेगा। तो ये बहुत बड़ा सिंक का जो प्रॉब्लम आएगा ये नेसेसरी है कि सिंक्रोनस होना चाहिए हर चीज़। नेटफ्लिक्स के अंदर अगर मूवी देख रहे हैं या जूम के अंदर कोई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसे हमें ये होता था कि फ्रस्ट्रेट हो जाते थे हम कि भाई वो पता नहीं क्या कह रहा है, आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही, आ रही है तो बहुत देर से आ रही है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर वर्चुअल डेथ हो जाएंगी, कलेक्टिव इन स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रस्ट्रेशन। एक बंदे को पता ही नहीं होगा और वो किसी गेम में है और उसके अंदर सिंक्रोनस नहीं हो पा रहा वो दूसरी वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, तो वो वर्चुअल डेथ में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। इस वक्त तक हमारे पास कोई भी सिंपल या इनएक्सपेंसिव कोई सोल्यूशन नहीं। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को भी रिव्यू करना पड़ेगा हमें इसके लिए, खास करके बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल्स की, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स होंगे, एक इस मुल्क के अंदर होगा, कोई दुनिया के दूसरे कोने में होगा, तो यहाँ से जो डेटा हमारा जा रहा है उसको बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा होगा, डेटा बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ से आ रहा भी होगा, यहाँ से जा रहा भी होगा, तो इतने सारे पैकेट्स को कंट्रोल करना और उसको एग्जैक्ट लो लेटेंसी के साथ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना, इन सब प्रोटोकॉल्स को भी रिव्यू किया जाएगा और एक नए प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे। उसी से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि एक सिंक्रोनस बिहेवियर मिलेगा हमें वर्चुअल वर्ल्ड्स के। और इसके अंदर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अनलिमिटेड यूज़र्स एंड इंडिविजुअल प्रेजेंस, बहुत सारे यूज़र्स होंगे, पूरी दुनिया के यूज़र होंगे और हर एक को अपनी प्रेजेंस ज़रूरी है, वो वहाँ पर होना चाहिए। इस वक्त तक जो बड़ी बड़े टेक्निकल जायंट्स भी हैं ना, उन्होंने भी जो सिस्टम बनाए हैं गेम्स के हवाले से भी, तो वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स को अवेल करवा सकते हैं। वो अगर कोई कॉन्सर्ट भी हो रहा है, जैसे हमने पढ़ा था कि कोई कॉन्सर्ट किया गया था रोब्लॉक्स पर और उसको जो है ना 20 मिलियन प्लेयर्स ने देखा था, तो जो 20 मिलियन प्लेयर्स ने देखा था तो वो एट ए टाइम सब ने नहीं देखा, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना देता है सर्वर्स। क्या करते हैं कि जब स्पेस कम पड़ता है तो एक नई कॉपी दे देते हैं, उसके ऊपर अगेन वो मल्टीपल यूज़र्स आ जाते हैं, फिर वो जैसे फुल होता है फिर एक नई कॉपी। इन्वायरमेंट वही होता है, मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं और वो सब वो एक इवेंट को देख रहे होते हैं, लेकिन वो एट ए टाइम सब एक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते। और बहुत सारी गेम्स के अंदर 4 से 5 स्क्वायर किलोमीटर का जो होता है वो एरिया कवर किया जाता है, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए कि इतने सारे लोगों को सिंक्रोनाइज करना और उनको टाइम भी देना, उनके डेटा को रेंडर करना और उनको एक ही जगह पर उनकी इंडिविजुअल प्रेजेंस दिखाना बहुत बड़ा चैलेंज है मेटावर्स का। इफ इट कैन सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एक्सपीरियंसिंग द सेम इवेंट, ठीक है, जब तक एक ही इवेंट को बहुत सारे लोग नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे तो ये मेटावर्स कैसे हो सकता है। टाइम भी सेम होना चाहिए, प्लेस भी सेम होना, और उसके अंदर कोई भी सब्सटेंशियल कंसेशन इज यूजर फंक्शनल इंटरेक्टिविटी परसिस्टेंस रेंडरिंग क्वालिटी एंड सो ऑन, कुछ भी उसके अंदर आपने चेंज नहीं करना, कोई कॉपी नहीं बनानी, सब एक ही जगह पर होंगे, सब एक तरह से सब देख रहे होंगे, हर एक की अपनी एक जगह, एक टाइम, एक स्पेस हो। आप हम खुद ही सोच सकते हैं कि सोसाइटी कितनी चेंज हो जाती है अगर यहाँ पर भी हमारे पास लिमिट्स होती कि भाई पार्टी है हमारे पास या ये स्पोर्टिंग मैच हो रहा है और इसमें 50 या 150 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो ये एक अजीब गरीब कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से निकलने के लिए हमें बहुत अनलिमिटेड यूज़र को भी फैसिलिटेट करना है, उनको स्पेस भी देना है, टाइम भी देना है, रियल टाइम रेंडरिंग भी करनी है, तो ये सब मेटावर्स के लिए नेसेसरी है। अच्छा, कुछ चीज़ अभी तक भी इस डेफिनेशन जो हमने पीछे पढ़ी थी उसके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो वो क्या मिसिंग है? इसके अंदर जो मिसिंग चीज़ है ना वो डिसेंट्रलाइजेशन, वेब 3 और ब्लॉकचेन है, वो मिसिंग है। अच्छा, जो मेटावर्स है और वेब 3 है ये सक्सेसर स्टेट्स है। वेब 3 भी एक नया इंटरनेट है, मेटावर्स भी एक नया इंटरनेट, और उन दोनों की कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, काम करने के तरीके भी अलग। एक जो है हमारे पास वो सोसाइटल फॉर्मेशन एंड गवर्नेंस के लिए, और दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी एंड इस प्रोलाइफरेशन। मेटावर्स वहाँ पर नहीं बनेगी, उस प्लेटफॉर्म पर बिल्ट नहीं होगी जिसने उसको इनेबल किया, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिपेंडेंट यूजर्स, इसको अलग अलग यूजर्स बनाएंगे, डेवलपर्स स्मॉल टू मीडियम बिजनेस बनाएंगे, जस्ट लाइक द फिजिकल वर्ल्ड, छोटे छोटे जो डेवलपर हैं ये सब मिलकर इस दुनिया को बनाएंगे द मेटावर्स। और इसके अंदर जो ट्रस्ट का इशू है ना, ये कहाँ से रिजॉल्व होगा, ये आपके वेब 3 और ब्लॉकचेन, जहाँ पर ट्रस्ट लेस और परमिशन लेस सिस्टम होगा, कि कहीं से भी जाकर आपने कोई चीज़ खरीद ली तो उसका लेजर का जो रिकॉर्ड होगा वो ब्लॉकचेन के अंदर सेव किया जाएगा, ताकि किसी को भी कोई ट्रस्ट इशू ना रहे। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो था एक अलग से एक चैप्टर, लेकिन वो इस मेटावर्स के अंदर
बहुत सारे इश्यूज को रिजॉल्व। और दूसरा सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि सेंट्रलाइज सर्वर अगर मॉडल बनाया जाए तो वो तकरीबन इन्फिनाइट बन जाए, ये तभी मुमकिन है कि इतना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर और उसको चलाने के लिए हमें डिसेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए होगा। उसमें फ़ायदा ये होगा कि हर कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हो, उसके सर्वर्स भी होंगे, डिवाइसेस भी होंगे, तो ये सब हम मिलजुल कर एक सिस्टम बना सकते हैं। सेंट्रलाइज सर्वर जो मॉडल है मेटावर्स का वो फेल है, वो पॉसिबल। अब हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर द नेक्स्ट इंटरनेट। मेटावर्स के लिए हमें बहुत चेंजेस करनी है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी चेंज होंगे, TCP/IP प्रोटोकॉल भी चेंज करना पड़ेगा हमें, डिवाइसेस और हार्डवेयर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो होगा ये पावर को भी अल्टर कर देगा जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं उनके बीच में, और इसके अंदर कंट्रीब्यूशन आएगा इंडिपेंडेंट डेवलपर्स का और एंड यूजर्स का। इतने सेटल ट्रिलियन डॉलर सेटल हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क्स और फाउंडर्स एनेबल ऑफ द मेटावर्स। तो इसी जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन ये फाउंडेशनल इनेबलर्स हैं मेटावर्स के, फाउंडेशनल इनेबलर्स ऑफ द मेटावर्स। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल मेटावर्स इसी तरह बनाई जाए जैसे इंटरनेट को बनाया गया था। जो वीडियो गेम्स हैं आर द ड्राइविंग द नेक्स्ट इंटरनेट, वही ड्राइव कर रही हैं नेक्स्ट इंटरनेट को। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो गेम्स के अंदर फायर, ग्रेविटी या थर्मोडायनामिक्स देखा रियलिटी में ही होने चाहिए, लाजिम नहीं। बस फन के लिए होता है तो आप छोटे छोटे टूटे हुए पिक्सल्स वाली गेम भी खेल सकते हैं और HD में या हाई क्वालिटी 4K में भी ईजीली गेम खेल सकते हैं, लेकिन गेम्स के ऊपर बहुत काम है। US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स जॉन इवांस ने बोला प्ले स्टेशन के अंदर कंप्यूटर यूज हो रहा है, दे आर सुपर कंप्यूटर्स। 2010 में US एयर फोर्स रिसर्च लेबॉरेटरी बिल्ड करने की और उसके अंदर दुनिया का 33वां सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया गया। और कहाँ से बनाया गया ये तकरीबन उन्होंने 1760 सोनी प्ले स्टेशन 3S खरीदे और उनमें से ये 33rd लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया। और उसने जो बताया कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, कॉस्ट कट हुई है, यूज़ 10% ऑफ द एनर्जी और एनर्जी भी कम यूज़ करते हैं। तो वो सुपर कंप्यूटर किस लिए बनाया गया था, रेडार एनहांसमेंट के लिए, पैटर्न रिकॉग्निशन, सैटेलाइट इमेजरी प्रोसेसिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के लिए। तो ये सारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है कहाँ से बनाया गया, ये सोनी के प्ले स्टेशन 3S से बनाया गया। जो ये वीडियो गेमिंग कंसोल्स बनाती हैं कंपनियाँ वो इस वक्त इंसानी तारीख की सबसे ताकतवर कंपनी है। तो 3D रियल टाइम रेंडरिंग का जो सॉल्यूशन है ना वो गेमिंग से मिल जाएगा। ऑनलाइन गेम्स जो खेलते हैं हम उसके अंदर ये सबसे बड़ा इशू होता है सिंक्रोनस और कंटिन्यूस नेटवर्किंग कनेक्शंस। और ये 1990 से ये इसको फेस करते आ रहे हैं गेम्स के अंदर। तो गेम डेवलपर्स हैं उनको पता है कि रूम कैसे बनेगा, ब्लॉक कैसे बनेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगा, विलेज के इस तरह के एक नेटवर्क की बात करें जो मैसिवली स्केल हो, इंटरऑपरेबल नेटवर्क्स हों, रियल टाइम रेंडर्ड हो, 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स हों, तो हमें सिर्फ गेम डेवलपर्स की जो स्किल्स हैं वो काम आएंगे। आपको ये जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।